जिंदगी कुछ सालों के लिए लीज पर मिली है। जिंदगी कुछ सालों के लिए लीज पर मिली है। रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़िए भैया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ शगुनथास कॉन्वा विद स्कॉलर्स। सो आप सभी को पता ही होगा कि एक एग्ज़ाम होता है KVPY, जो कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है प्लस वन प्लस टू और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको प्री PhD तक फेलोशिप मिलती है। तो आज हम एक ऐसे ही स्कॉलर से बात करने वाले हैं जो कि नीट 2020 के भी स्कॉलर है और साथ में KVPY के भी स्कॉलर है। तो चलिए, जो आज के हमारे स्कॉलर हैं वो है कर्मा पटेल। कर्मा, वेलकम टू शगुनथास। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं आपको बता दूं कि कर्मा ने अभी रिसेंटली नीट 2020 दिया था, जिसके अंदर इन्होंने 83 रैंक और 700 मार्क्स स्कोर किए हैं। और साथ में ही कर्मा ने KVPY में ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल किए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम कर्मा से बात करेंगे, इनका जो भी जो जर्नी रही है नीट को लेकर, KVPY को लेकर, उसके बारे में हम आज इनसे सारी बातें करेंगे। सो कर्मा, स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में। जी जरूर सर। मेरा नाम कर्मा पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरे जो डैड है वो रिलायंस जियो में फाइबर लीड है सूरत, मेरी मॉम हाउसवाइफ है और जो एल्डर सिस्टर है वो अपना बी आर्किटेक्चर में फाइनल ईयर कर रही है। ओके, गुड। सो कर्मा, आपने 10th क्लास में कितना स्कोर किया था और कौन से बोर्ड से किया था आपने? टेंथ क्लास मैंने CBSE से किया था और उसमें मेरा 97.4% था। ओके कर्मा, आपने मेडिकल चूज क्यों किया? अच्छा, इसके पीछे मतलब एज सच कोई सिंपल रीजन नहीं है। मतलब मेन रीजन तो मेरा ये था कि मुझे जो इंजीनियरिंग की लाइंस थी और आगे जो भी फील्ड थे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने अपने ही फैमिली में काफी सैचुरेशन वहां पे देख लिया था। तो मेन रीजन तो मेरा वही था कि इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं जाना है। Okay. और दूसरा है, इसमें मुझे इंसिडेंट याद है कि मैंने जब टैलेंट टेस्ट दिया था 10th में, तो उसका जो रिजल्ट आया था तो उसमें उन्होंने कमेंट में ऐसा लिखा था कि मेरा बायो उतना स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स काफी स्ट्रांग है, और अगर मैं इंजीनियरिंग की लाइन लेता हूँ तो उसमें मेरा रैंक काफी अच्छा आ सकता है। ओके, सो थोड़ा KVPY के बारे में आप बताएंगे, एग्जाम के बारे में आपने दिया था तो उसका क्या पैटर्न रहता है, पूरा थोड़ी डिटेल्स देंगे बच्चों को। हाँ, तो KVPY जो मेन एग्जाम था उसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो ये जो एग्जाम होती है वो बच्चों को रिसर्च और बेसिक साइंस में जो भी इंटरेस्टेड है उनको आगे एनकरेज करने के लिए होती है। मतलब जो भी इसको क्लियर करता है उसे आगे जाके स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके मतलब तीन पार्ट होते हैं, मतलब SA, SB और SX। तो जो SA होता है वो 11th क्लास वालों के लिए होता है, SX जो होता है वो 12th क्लास वालों के लिए होता है, और जो SB होता है वो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट के लिए होता है। तो मैंने 11th में तो नहीं दिया था, मैंने 12th में खाली SX ही दिया था। तो जो SX होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू। तो एप्टीट्यूड टेस्ट करीब मेरा हुआ था 3rd November को और इंटरव्यू हुआ था फेब्रुआरी में। Okay. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। तो उसमें चार पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और पार्ट टू में भी चार पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। पर आपको ऐसा होता है कि पेपर वन में आप कोई भी 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेपर टू में कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो मैंने पेपर वन मतलब जो पार्ट वन था उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था और पार्ट टू में केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था। ओके, सो कर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने नीट में 700 मार्क्स स्कोर किए और आपके फ्रेंड साहिल, उन्होंने भी 700 मार्क्स स्कोर किए, मिताली को भी जानते होंगे, काफ़ी बच्चे हैं जो इस 700 की लाइन में हैं, लेकिन रैंक है आप सभी का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपका 83 रैंक है, मिताली का शायद 61 रैंक है। सो ये इससे थोड़ा आपको क्या फील हो रहा है कि यार मतलब मैंने भी उतने ही मार्क्स स्कोर किए, उन्होंने भी उतने ही किए, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है? हाँ, मतलब वो तो है, क्योंकि जब आप इतने सारे बच्चे दे रहे हैं 720 मार्क्स और दे रहे 16 लाख बच्चे, तो एक ही मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होने ही वाले, और ये तो 700 मार्क्स पे हमारे सामने बच्चे हैं इसलिए एविडेंट हो रहेगा। बाकी नीचे जो बच्चे वहां पे, तो एक एक मार्क्स पे 1000 बच्चे होंगे।
मेन यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हो गया, एटलीस्ट मेरा डबल डिजिट रैंक तो आ गया है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि कुछ 700 मार्क्स वाले बच्चों का 100 के बाहर भी है, मतलब शायद 111 रैंक तक 700 मार्क्स है, तो एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। सो आपने कर्मा आपने स्पेशली केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, या फिर आपने जब नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तभी बीच में मन मन गया कि यार चलो केवीपीआई के लिए भी अपीयर होते हैं? हाँ मतलब मेन तो वही था कि जब मैंने 11th में स्टार्ट किया तब तो नीट एम्स जिपमर तीनों अलग अलग एग्जाम थे, तो उसी के हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, और एम्स के लिए हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते ही रहते हैं, तो वो मैंने थ्रू आउट किया था, और 12th में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स दे रहे थे तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो केवीपीआई दे देते दे, क्योंकि केवीपीआई का अपना एक प्रेस्टीज है, अपना एक लेवल है, तो बिल्कुल इसलिए मैंने सोचा कि ये भी एग्जाम दे देते हैं, और जिस हिसाब से प्रिपरेशन थी उस हिसाब से काफी अच्छा हो गया। कर्मा आपने 700 मार्क्स स्कोर किए नीट के अंदर, तो आपने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था 11th में, प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा, तो आपने 11th में मतलब क्या टारगेट रखा था कि स्टार्टिंग में कि मेरे को कितना स्कोर करना है, कितना रैंक चाहिए, मेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए? हाँ जैसा कि आपने बताया मैंने 11th से ही स्टार्ट किया था, तो 10th तक तो मेरा एज सच कोई नेशनल लेवल एग्जाम्स का इतना मतलब जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते थे वही था, पर ओलंपियाड सर उसका कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं जब 11th में कोचिंग में आया तो मेरी सिर्फ यही एक मेन मोटो था कि कैसे भी करके हमारा जो गुजरात का सबसे अच्छा कॉलेज है बीजे मेडिकल कॉलेज उसमें कैसे भी करके ले लेना है, तो उसकी कट ऑफ करीब जब मैं आया था 580 तक गई थी, तो मैंने यही सोचा था कि 630 या उतना ले आएंगे तो हम सेफ साइड पे आ जाएंगे। तो आपको जब आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, तो मतलब मिड में पहुंचे, 12th के स्टार्टिंग में पहुंचे, तब आपको क्या लगा था कि मैं इतना स्कोर कर लूंगा या फिर इससे ज़्यादा कर लूंगा? क्या सिचुएशन थी उस टाइम आपके जो पढ़ाई की? मतलब वो 12th के स्टार्टिंग तक भी नहीं, 11th के कुछ महीने हुए तभी मुझे पता चल गया था कि मॉक टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने अपना फिर गोल चेंज कर दिया, मैंने कहा कि सिर्फ बीजे तक मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूंगा, मुझे काफी अच्छा मार्क्स और रैंक मैं ला सकता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से फिर मैंने अपनी आगे की तैयारी की थी। सो कर्मा आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई करने का? तो शेड्यूल का तो मेन ये था कि मेरी सुबह की क्लासेस हो रही थी 8 से 1 बजे की, तो मैं सुबह करीब 6 बजे जैसा उठ जाता था, फिर थोड़ा फ्रेश होके थोड़ी पढ़ाई कर लेता था 1.5 घंटे की, और फिर क्लासेस के लिए चला जाता था, फिर 1:30 को करीब घर आता था थोड़ा रेस्ट करके, फिर वापस पढ़ाई चालू हो जाती थी, पर ये जो 2 से 8 बजे तक की पढ़ाई होती थी उसमें मतलब सड़क एक स्ट्रेच में नहीं होती थी, धीरे धीरे बीच में गैप ले लेते थे या फिर मम्मी या दीदी से बात कर लेता था, ऐसा सब हो जाता था, और फिर 8 से 9 डिनर, और फिर 9 से 12 वापिस थोड़ी पढ़ाई कर लेता था। तो आप अकेले रहते थे कोटा में? नहीं, मैं कोटा से नहीं किया है, मैंने अहमदाबाद से ही किया है 11th 12th, तो मैं अपनी मम्मी के साथ रहता था। सो आपको पता ही होगा कि जो नीट के लिए जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे टफ माना जाता है, और इनफैक्ट केवीपीवाई के अंदर भी फिजिक्स और का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो आपने फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? तो फिजिक्स सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स मेरा वैसे भी स्ट्रांग था, तो जैसे मैं 11th में आया तो स्टार्टिंग में वही सब पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स वेक्टर, तो उसी से मतलब काफी अच्छा फिजिक्स पहले से ही हो गया था, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था, तो फिजिक्स मेरे लिए एज सच इतना मतलब कभी टफ सब्जेक्ट तो नहीं रहा है, ऑफकोर्स उसमें क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के कर रखे थे, पर उसमें मेन बात तो यही थी कि वो फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, और उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और अच्छी बुक्स की थियरी पढ़ने को मतलब प्रीफर किया था। अच्छा, आप जो जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि केवीपीआई के लिए अपीयर होना चाहते हैं, नीट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स के लिए कोई स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? तो जो केवीपीआई के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनको तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप जेडब्ल्यू के पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, और टाइम हो आपके पास तो एम्स के भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी पार्ट है वो सब सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि केवीपीआई का लेवल अच्छा आता है और नीट से तो काफी ऊपर ही आता है, तो आपको उसकी तैयारी जरूर करनी होगी, और जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप अभी मतलब मेनली तो आप नीट के लिए तो एनसीईआरटी फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर जैसा कि 2 साल में एनटीए का पेपर आ रहा है तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के जो थियोरेटिकल पार्ट है जैसे पीछे सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स वो सब जरूर पढ़िए, और क्वेश्चंस के लिए कोई अच्छी बुक जैसे डीसी पांडे या बीएम शर्मा लगा लीजिए। सो आपने जो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट थे जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इनके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रेटेजी की इनके लिए आप?
ओके, तो केमिस्ट्री में पहले बात करें उसके तीन पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल की तो सेम फिजिक्स जैसी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप थियोरी पढ़िए और फिर उसको फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते रहिए। और इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं आपको वही बोलूंगा कि आप अपने आपको एनसीईआरटी तक ही लिमिट रखें, अपने मतलब ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वही एनसीईआरटी की चीजें, वो जो यूजेस दिए हुए, वो जो रिएक्शंस दिए हुए, उनको बार बार पढ़ते रहिए। और ऑर्गेनिक के लिए मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ऑल्दो इनफ दिया हुआ है, पर आप उसको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने से ज्यादा उसकी आप नोट्स बना लीजिए। मतलब जैसे रिएक्शंस के फ्लो चार्ट होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, उसके अलग से नोट्स बना लीजिए, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी बायो की बात करें तो बायो के लिए तो सबको पता ही होता है कि एनसीईआरटी इज द बाइबल, तो आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। और उसमें आपको जितनी बार पढ़ते जाओ और आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी, तो आप नई नई चीजों को या तो अलग से नोट कर लो या एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो। इतना सब कुछ करने के बाद आपका जो माइंड होता है वो काफी हार्ड हो जाता है, उसके इसको रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे आप? रिलैक्स करने के लिए सबसे मेन बात तो यही थी कि मैं अपनी मम्मी और दीदी से बात कर लेता था। मतलब आप अपने फैमिली या जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो तो आपको काफी मतलब लाइट फील होता है। और दूसरा फिर मैं टेरेस पे चलने चला जाता था या ऐसा कुछ। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे? नहीं, मतलब ऐसा 11th 12th में तो ऐसा नहीं हुआ था। सोशल मीडिया? सोशल मीडिया मैंने मतलब मेन जो था वो व्हाट्सएप ही था, क्योंकि उससे डाउट पूछने में इजी रहता था, बाकी और कोई सोशल मीडिया नहीं था। सो आपको केवीपीवाई के लिए जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, आपने बताया कि जो फिजिक्स का लेवल था वो आपका जो नीट से नीट का है और वो केवीपीवाई का ज़्यादा होता है, तो आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी नीट के लिए और केवीपीवाई के लिए प्रिपरेशन के टाइम? डिफिकल्टीज तो मेन यही होता है कि हम जब पढ़ते जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम काफी एंथुसियास्टिक होते हैं, पढ़ते जाते हैं, जो भी कोचिंग में करा रहे हैं वो सब हम करते रहते हैं। पर धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो वैसे हमें लगता है कि अब बोर हो रहे हैं, पढ़ने की इच्छा कम हो रही है। तो वही एक पॉइंट होता है जब आपको अपने आप को संभालना होता है, और अगर आप तब उस पॉइंट पे अच्छे से पढ़ते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो आप मतलब एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी प्रिपरेशन के अंदर? टर्निंग पॉइंट की मैं ऐसा बात करूँ तो मुझे याद है कि जो अक्टूबर का महीना था, मतलब 12th का अक्टूबर नवंबर में, तो तब मुझे पता नहीं अचानक स्टमक एक होने लगा था और बहुत ज्यादा स्टमक एक हुआ था। मतलब मैं एक साथ लॉन्ग स्ट्रेच में बैठ नहीं पाता था, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं इसके कारण मेरी प्रिपरेशन तो नहीं बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैंने तब देखा था कि मेरे मॉक टेस्ट में भी मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। पर फिर जैसे जैसे वो स्टमक एक कम हो गया, मैंने ज्यादा पढ़ाई करनी चालू कर दी, सब कवर अप कर लिया, तो धीरे धीरे मार्क्स वापस इंक्रीज होने लगे। तो मेरे हिसाब से वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं थोड़ा नीचे डिप हुआ पर फिर मैंने वापस अपना स्कोर इंक्रीज कर लिया। सो आपको कभी ऐसा लगा कि यार मुझसे अब नहीं होगा, मतलब मैं थक चुका हूँ, मेरे से अब आगे नहीं होगा? हाँ, मतलब ये जब लॉकडाउन चल रहा था तब ये सब ज्यादा हो रहा था, क्योंकि हम मे के लिए रेडी थे पर ये पीछे जाते जा रहा था और जाते जा रहा था, कुछ पता ही नहीं था। तो तब ऐसा लग रहा था कि अब कितना पढ़े, सब तो हो गया, क्या करना है। पर तो भी मैं ये सोच लेता था कि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए उसी बात के कारण आगे पढ़ते रहे। आपने बताया कि आप मई के लिए प्रिपेयर थे, तो आपको लगता है कि यदि आपका मई के अंदर एग्जाम हो जाता तो आपको इतने मार्क्स मिल जाते? मुझे तो लगता है कि इतने मतलब यही पेपर होता तो ऑफकोर्स मेरे इतने मार्क्स आ ही जाते, क्योंकि ऐसा कुछ नया नहीं था उस पेपर में कि जो मैंने मे के बाद प्रिपेयर किया हो, जो भी था सब पहले से ही पढ़ा हुआ था। तो आपने प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपके जो मॉक टेस्ट हैं उनके अंदर कम मार्क्स आए होंगे, तो आपका थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं आप, तो उस फेलियर को आप कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, मतलब वो तो है कि आप देखते हो कि कुछ बच्चे आपकी क्लास में है वो कम मेहनत करके भी ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, बिल्कुल तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर आप अगर देखने जाओ तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जो आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो बिल्कुल अगर आप वैसे सोचो तो फिर आप वही सोचोगे कि चलो मैं अपने हिसाब से मेहनत करते रहता हूँ, जो मार्क्स आएंगे वो तो देख लेंगे। तो आपने बताया कि कभी कभी मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे, उसके बाद आपने अपना जो टारगेट था वो बढ़ा लिया था, तो आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हमारे मार्क्स ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो आपने इस ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज किया? ओवर कॉन्फिडेंस का तो मेन यही था कि हम अपने आसपास देखते हैं कि एक टेस्ट में आ गए तो फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मेरे अहमदाबाद में ही अच्छे मार्क्स आए,
कोई कहीं और बैठ के कोटा में बैठ के या कहीं और बैठ के मुझसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा होगा। तो मैं यही सोच के अपनी पढ़ाई चालू रखता था कि क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, और अगर फिर नीट की एग्जाम होगी तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, तो यही सोच के पढ़ते रहना पड़ता है। ओके तो आप ये बताओ मेरे को, जैसे आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नीट के लिए भी और केवीपीवाई के लिए भी, तो इन दोनों को पढ़ते टाइम किस तरह मैनेज करते थे कि यार कभी ऐसा कि केवीपीवाई के लिए ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, उसके लिए ये थोड़ा इजी पार्ट है, तो आपका जो मेन टारगेट था वो था नीट, तो आप केवीपीवाई के लिए कब एक्स्ट्रा टाइम मतलब कैसे मैनेज किया आपने केवीपीवाई को साथ साथ में? इसमें मेन बात तो ये है कि दोनों का सिलेबस सेम है, आपको जो पढ़ना पड़ता है वो तो सेम ही है। जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तो मैंने एम्स को भी देख के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो इसलिए मैंने अपना लेवल नीट से तो काफी ऊपर ही रखा था, इसलिए मुझे केवीपीवाई के लिए एज सच अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। और इसमें मेरे लिए एक फायदे की बात ये थी कि केवीपीवाई नवंबर फर्स्ट वीक में था और मेरा अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म हो गया था, इसलिए एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था कि मुझे सब आता तो है ही, भले रिविजन इतना अच्छे से नहीं हुआ था पर सिलेबस तो खत्म हो गया था। ओके सो हम केवीपीवाई के बारे में बात कर रहे हैं कर्मा, तो जो केवीपीवाई का जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू, तो आपका जो इंटरव्यू था उसके बारे में आप पूरी डिटेल्स देंगे बच्चों को कि कौन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूरा जो वहाँ का जो पूरा सीन होता है वो प्लीज़ एक बार सभी को आप समझाइए। जी जरूर सर, तो उसमें हमारा इंटरव्यू मेरा तो IIT गांधीनगर में था, तो मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड्स का वहीं पे था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे दो कमेटी थी, मतलब जो एक्सपर्ट्स की, कमेटी वन कमेटी टू, और बच्चों को रैंडमली दोनों कमेटी में बिठा के उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो इंटरव्यू में एज सच तो काफी अनप्रेडिक्टेबल ही होता है, पर मेरे लिए तो वो काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे सामने एक शीट पड़ी थी जिसमें सभी बच्चों के उन्होंने मार्क्स लिखे थे, तो उसमें मतलब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि किसी के 50 थे, किसी के 60 थे, 70 थे, ऐसे मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि शायद मेरा भी शायद 70-80 के बीच में ही मार्क्स आएंगे, पर जब रिजल्ट आया तो मैं भी चौंक गया कि मेरे 92.57% थे। तो के वैसे इंटरव्यू काफी अनप्रेडिक्टेबल ही होता है, पर इंटरव्यू देने के लिए भी आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी होगी कि एक तो बात ये है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको उनको उल्टा सीधा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं, तो अगर आप कुछ भी गलत बोलेंगे तो वो आपके मार्क्स काट ही देंगे, तो आप पोलाइटली उनको बस ऐसा बोल सकते हैं कि सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल चेक इट आउट लेटर, ऐसा कुछ भी आप उनको पोलाइटली बोल सकते हैं। और दूसरा बात ये कि आपको मतलब जो भी फ्लो चल रहा है उसको अपने फेवर में ले जाना आना चाहिए, मतलब या तो वो लोग आपको पूछ ही लेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, और अगर नहीं पूछ रहे तो आप उनको सामने से बता दीजिए कि मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है, आप काइंडली वहां से क्वेश्चन पूछिए, तो आप अगर वैसा करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, मतलब कि सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड पूछा जाता है या फिर आपका कुछ और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं? नहीं, मेनली तो पढ़ाई का ही होता है, वो लोग कुछ ऐसा पूछ लेते हैं कि आपको मतलब रिसर्च में जाना है तो कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, थोड़ा इंट्रो भी पूछ लेते हैं, पर ज्यादा तो पढ़ाई का ही होता है। तो जो पढ़ाई के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं या फिर नॉर्मल लेवल? वो सर वो हर जगह डिपेंड करता है, जैसे मुझे एक दो क्वेश्चन हार्ड भी आ गए थे, मेरा एक फ्रेंड था उसके कंपेरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चन थे, वो वेरी करता है कि आपके सामने जो बैठे हैं वो आपको क्या पूछ रहे हैं, आपका इंटरव्यू इतना लंबा चल रहा है उस सच पे। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई टिप्स होंगे इंटरव्यू के लिए? हाँ, तो इंटरव्यू के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको वो आना चाहिए कि आपको जो भी है कि मेरा सर ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग टॉपिक है, तो उसको आप उन सबके सामने रखिए कि सर आप काइंडली इसमें से पूछो, और फिर दूसरा नहीं आता हो तो पोलाइटली मना कर दो, और तीसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए, मतलब आप उन सब बारे के बाद मत सोचिए कि मुझे ये नहीं आता उसमें से पूछ लिया तो क्या होगा, ऐसा सब ज्यादा मत सोचिए, आप बस इतना कॉन्फिडेंट होकर जाइए कि जितना मुझे आता है मैं उसमें से अच्छे से आंसर दूंगा। कर्मा आपकी जो सक्सेस है उसके अंदर आपके फ्रेंड्स का आपकी फैमिली का काफी रोल रहा है उसके अंदर, तो आप अपनी फैमिली का और फ्रेंड्स का रोल बताएंगे? तो फैमिली का तो थ्रू आउट रोल रहा ही है, क्योंकि जब भी आप डिमोटिवेट फील करते हो या कुछ भी आपको उल्टा सीधा लगता है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली के पास ही जाओगे उनसे बात करोगे, तो वो तो था ही कि जो मोरल सपोर्ट था वो तो थ्रू आउट मुझे फैमिली से मिला है। दूसरा फ्रेंड्स का रोल स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे काफी था, तो मेरे जो दो तीन फ्रेंड्स थे हम लोग मतलब लास्ट 2 महीने में तो काफी हर रोज 20-30 मिनट कॉल कर ही लेते थे, ये जो कॉल होता था उसमें मतलब नॉर्मल बातें भी होती थी और फिर जो भी डाउट्स थे हम आपस में डिस्कस करके उनका भी सोल्यूशन निकाल लेते। अपना क्रेडिट किसको देना चाहोगे सक्सेस का?
ऑफकोर्स सबसे पहले तो मैं गॉड को क्रेडिट देना चाहूंगा, फिर मेरे पेरेंट्स को, मैं एलएन के सभी टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को। ओके सो कोई टिप्स जो नीट और केवीपीओ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? अच्छा, तो सबसे पहले टिप्स तो जो नीट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यही रहेगी कि अगर आप मतलब अभी से आप जो भी ऐसा सोच रहे कि 5 महीने शायद बहुत पोस्टपोन होगा, ये सब सोचना बंद कर दीजिए। आप यही सोचिए कि मई के पहले वीक में एग्जाम होने वाली है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और ये 5 महीने पूरी जी जान लगा दीजिए। आपने 2020 का पेपर तो देख ही लिया है, उसी हिसाब से अपनी सीवी मिस्टेक करना कम कर दीजिए और फॉर्मूला और वो सब बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके सुकर्मा, थैंक यू सो मच। आपको अभी आपकी काउंसलिंग हो चुकी है नीट 2020 की, आपको कौन सा कॉलेज मिला है? मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ओके सो आप काफी सेटिस्फाई हैं इस कॉलेज से, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ एम्स ही बचता है। ओके सो थैंक यू सो मच कर्मा फॉर कनेक्टिंग अस। आपको काफी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से इतनी बड़ी सक्सेस के लिए KVPY और उसके साथ साथ में नीट, या फिर हम बोल सकते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। उम्मीद आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शकुंतलास जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक नया एफर्ट कर रहे हैं, एक ऐसी कुछ वीडियोज आपके लिए लेके आते हैं, तो काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, पसंद नहीं आ रही है तो आप उसकी जो डिसलाइक करिए, और उसके बाद डिसलाइक करने के बाद उसकी कमी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप ये इम्प्रूव करिए अपनी वीडियो के अंदर। तो आप पूरा हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।